नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चलिए आज आपको दिखाते हैं आशु की चक्कर घिन्नी में। आज नियत साफ तो मंजिल आसान, दो दशक का सफर, सफलताओं की कहानियां, भरोसे की तराजू में बढ़ता वजन, रिश्तों की कसावट और इनमें आती ताजगी। एक दिन में न भरोसे का संसार खड़ा होता है और न रिश्ता बनता है। समय लगा, अभी और भी वक्त लगने वाला है, लेकिन इससे निकलने वाली कहानियां लंबे समय तक कहीं जाने वाली होंगी। जब बातों के तौर पर उन्होंने खुद को मामा कहा तो लगा मनचाही बात है, पूरी नहीं होगी, लेकिन पूरी हुई। योजनाओं का ऐलान हुआ तो लगा सियासी घोषणाएं हैं, फाइलों में दबकर रह जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत तक पहुंच गई। फायदों का हिस्सा चंद हथेलियों तक सिमट कर रह जाएगा कि चर्चे भी फैलाए गए, लेकिन हर झोली में पसे मुनाफों ने इस कवायद को भी झूठ करार दे दिया है। रिश्ते निभाई की मंशा लेकर आगे बढ़े मामा शिवराज ने महिला सशक्तिकरण को अपना अस्त्र बनाया और कामयाबी के परचम लहराते गए। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक के सफर में उन्होंने कन्याओं की शिक्षा, इसके लिए स्कॉलरशिप से लेकर साइकिल, स्कूटी और लैपटॉप की सुविधाओं तक भी पहुँचा। भांजियों के सुखद भविष्य की कल्पना के साथ कन्यादान में भी मामा ने अपना साथ बनाए रखा। 20 बरस की इस बहन और भांजियों के साथ को मजबूत बनाने के लिए मामा शिवराज ने युवा बेटों की तरफ रुख किया तो युवा नीति से लेकर उनकी शिक्षा, रोजगार, उद्यम और सुरक्षित और सम्मानपूर्ण भविष्य के लिए भी साधन जुटा दिए हैं। रहने वाले कहते रहे कि सियासी योजनाओं से सिंहासन मार्ग का सफर तय किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सियासत है तो फिर कहा जाना चाहिए कि सियासत अच्छी है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के ख्वाब को पूरा करने के लिए प्रदेश की आधी आबादी महिलाएं खुश है तो ये सियासत कामयाब है। प्रदेश का भविष्य गढ़ने वाले युवा आज सशक्त होने की तरफ चल पड़े हैं, तो ये चुनावी और सियासी योजना भी बेहतर से आगे बेहतरीन ही कही जाना चाहिए। नकल में अकल चाहिए। काका जी सिर्फ अपने 18 महीने सियासन को कार्यकाल समझ बैठे हैं, ये भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी आजादी से अब तक बरसों बरस सियासन काबिज रही है। हजार की बजाय 1500 की नकल की बजाय इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि मौके मिले थे तब कुछ कर दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं आई। अब सत्ता से नीचे बैठे रिश्तों की बोलियां लगाने की मंशा जनता समझ रही है, बहनें और भांजियों भी समझ रही हैं और देश की अगली पीढ़ी भी भली भांति समझ रही है। तो ये थी दोस्तों आज की आशु की चक्कर घिन्नी। कैसा लगा आपको यह एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रविवार फिर आशु की चक्कर घिन्नी एपिसोड 4 में। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।